सरी आगा, ये रवैया इंतहाई गलत है, जुल्म है ये। अल्लाह तुम्हारा ये गुनाह माफ फरमाए। नहीं, गुनाह कैसा कसम, ये तो काम है इनका, हुक्म की तामील करते हैं ये। खुश आमदीद साहिबान। बहुत देर कर दी शेख मोहतरम। खैर तो है, आप लोग जंग पर जा रहे हैं क्या? सरदार ने शाहीन मियाँ को वापस लाने का हुक्म दिया है। शाहीन मियाँ, वो क्या कहते हैं इस बारे में? कैसे हो गया ये सब? जब कोई सबब ही नहीं था तो घोड़ा कैसे बिथक गया? वो तो पानी भी उन्हीं के हाथ से पीता था। इंसान से बढ़कर वफादार हैवान था वो। हम समझने से कासिर हैं सरदार। दुर्मुश, जब तक कोई नया निगरान योद्धा नहीं संभाल लेता, सरियागा की तमाम जिम्मेदारियां आज के बाद तुम ही संभालोगे। दुर्मुश, आपका हुक्म सर आंखों पर सरदार। अगर आपको मायूस करूं तो मेरा खून आप पर हलाल है। सबसे पहले सरी आगा के जनाजे से फारिग हो जाए हम जरा, फिर बहुत से काम निपटाने हैं हमने, बहुत से। घोड़ा जुनूनी हो गया था सरदार, 8 मुहाफिज भी उसे काबू नहीं कर पाए। किसी सबब के बगैर तो जाहिर है ऐसा कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है मुहाफिज, ऐसा सबब जिसका इहाता तुम्हारी और मेरी अक्ल बिल्कुल नहीं कर सकती है। हिम्मत कैसे हुई आप पर हमला करने की बाबा? उसे ये इख्तियार किसने दिया था? बेटी, उसे किसी से इख्तियार लेने की जरूरत है? वो सरदार का खास आदमी है। सरदार जिसे चाहे इख्तियार दे, जिससे चाहे छीन ले। अल्लाह करे मर जाए वो सब। बद्दुआ न दीजिए खातून, ये तो सोचिए कि उसके बच्चे यतीम हो जाएंगे। उस आदमी में जरा भी शऊर होता तो ऐसी हरकत हरगिज ना करता बाबा। क्या हक था, जुर्रत कैसे की उसने? खातून, हमारी बेटी भी बड़ी जोरावर है। सोचो अगर बेटा होता हमारा तो वो क्या तूफान उठाता इस वक्त। ये ठीक कह रही है, उन्होंने सही नहीं किया। खुद सोचें ये क्या हरकत थी। उनके सरदार का ससुराल है ये, उन्हें चाहिए था खुद लेने आते शाहीन को। आप बैठे रहें बाबा, मैं देखती हूँ। शाम बखैर हो आपकी। शेख मोहतरम से मुलाकात करनी है। अगर बाबा को कुछ हो जाता तो? इतने लोग थे वहां, किसी ने भी बढ़कर उस बदबख्त का हाथ नहीं रोका। यूनुस अफंदी, शाम बखैर हो शेख मोहतरम। आकिबत भी बखैर हो यूनुस। अगर आप लोग इजाजत दें तो हम यूनुस से कुछ गुफ्तगू कर लें। खवातीन, आ जाओ यूनुस, बैठो, बैठ जाओ।
अंदेशा रंज की अलामत है। ऐसे न करो यूनुस, अल्लाह है तो गम कैसा। जानदार ओगलो, अल्लाह का कोई खौफ नहीं उसे, बेहद नाकाबले बर्दाश्त आदमी है। हमें अपने बारे में कोई अंदेशा नहीं, मगर दरगाह को कोई जरर न पहुंचे ये फिक्र है बस। चलो सुबह होने दो, कौन रहता है कौन जाता है, जो कुछ भी होगा किस्मत में लिखा होगा यूनुस। अंदेशे दुख से हैं और दुख किस्मत से। मंगोलों ने जब सिवास पे कब्जा किया तो अखियों ने क्यादत नहीं संभाली थी क्या? किर शहर में हमारे सरदार अखी अवरान अवाम की क्यादत करते हुए शहीद नहीं हुए थे क्या? अगर असलहा हो हमारे पास तो सरदार की जरूरत ही नहीं, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। देखिए ये बात मुनासिब नहीं है बिरादरान, आप अभी से ही खून बहाने की बातें कर रहे हैं, ना इस बात का मकाम मुनासिब है और ना ही उसलूब। पीर भाइयों, सरदार अगरचे हमारे रिश्तेदार हैं लेकिन जुल्म के सामने कोई रिश्तेदारी नहीं। सद शुक्र आलिम को और जालिम को खूब पहचान लिया हमने इस बहरान में, मगर मामले के आगाज ही में मसले पैदा हो जाएं तो नतीजा भी अच्छा नहीं निकलता। हमारे ख्याल में सरदार को मुहाफिजों की इस हरकत की ना खबर होगी ना ही उन्होंने इजाज़त दी होगी। मसला अगर सुकून से हल ना निकलने के सबब मजीद पेचीदा हो गया तो कुछ ना कुछ हमारा भी कसूर होगा इसमें। शेख से उसकी बदतमीजी आपने भी देखी थी कासिम आगा, तो हम क्यों कसूरवार होंगे इसमें? बहराम आगा, आप लोगों के आने से पहले काश के यूनुस अफंदी सरी आगा की शाहीन मियां से बात करवा के उन्हें कायल करने की इजाजत दे देते। जालिम तो जुल्म ही करेगा यकीनन, मगर मुनासिब जबान तो इस्तेमाल की जा सकती थी। खैर जो होना था हो गया, अब हम कोई सारे मामले का इल्जाम अपने पीर भाई पर तो नहीं डाल सकते जाहिर। बैठे रहें। किसका इंतजार था, शुरू कर लेते बिरादरान। अस्तग़फिरुल्लाह। आपकी इजाजत हो तो मैं इस्माइल को देखा हूं जरा शेख मोहतरम। हाँ जाओ देखाओ, इस्माइल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है यूनुस। चलिए शुरू कीजिए भाइयों। इस्माइल, जंग पर जा रहे हो क्या इस्माइल अफंदी? ऐसी बदतमीजी तो कोई हमारे साथ ना करे, शेख मोहतरम के साथ कैसे की है हरकत? कह तो ठीक रहे हो, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए किसी से, अल्लाह साथ है ना तो कैसा काम। बोल तो सही रहे हैं लेकिन उस जालिम जानदार ओगलों को भी सबक ना सिखा सके तो ऐसे जीने का क्या फायदा? आपको याद नहीं मैंने मुक्का मार के हाजी अली के बेटे का मुंह तोड़ दिया था? याद है बिल्कुल, तुम तो बहुत मजबूत आदमी हो, मगर क्या कहते हैं शेख मोहतरम जानते नहीं तुम? क्या कहते हैं शेख मोहतरम? हमारा काम सबसे मोहब्बत करना है, लड़ाई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, कहते तो हैं मगर जालिम से भी लड़ाई नहीं। क्या किसी मजलूम से भी कोई लड़ता है भला? जालिम से ही लड़ा जाता है।
लेकिन क्या हमें शेख मोहतरम की बात के खिलाफ अमल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ऐसा करता हूँ, उनसे इजाजत ले लेता हूँ। जानदार ओगलों को इन तीरों से सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी इस्माइल नहीं उनसागा। जब सही वक्त आता है तो रास्ते निकल आते हैं। और तुम्हें कहां से मिले ये तीर कमान? सरी आगा के गिर गए थे, मैंने उठा लिए वहां से। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة مولانا جلال الدین رومی کی مشہور حکایت ہے یہ، آپ سبھی نے سن رکھی ہوگی۔ حضرت حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک ہندوستانی نے اندھیرے استبل میں ایک ہاتھی لا کر باندھا اور لوگوں کو وہاں آنے کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے ہاتھی نام کا جانور کبھی نہیں دیکھا تھا، تو وہ بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے، مگر استبل میں اس قدر اندھیرا تھا کہ کچھ نظر آنے کا امکان ہی نہ تھا۔ تاریکی اس قدر گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ لوگوں نے ہاتھی کو چھونا شروع کر دیا۔ کسی شخص کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر لگا، وہ بولا، ہاتھی بڑے سے پرنالے کی طرح ہے، اور ایک شخص کا ہاتھ اس کے پاؤں پر جا کر لگا، وہ بولا، ہاتھی کسی ستون کے جیسا ہے۔ پھر کسی شخص نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا، وہ بولا، ہاتھی کسی تخت کی طرح ہے۔ ہر کسی نے اس ہاتھی کو جس جگہ پر بھی ہاتھ سے چھوا، وہ ہاتھی کو اسی کے مطابق سمجھا۔ ان کی بیان کردہ شکل اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتی تھی۔ کسی نے اسے جین کی مانند بتایا، کسی نے الف جیسا۔ اگر ان میں سے کسی کے ہاتھ میں چراغ یا شمع ہوتی تو ان کے مابین بیانات کا جو تضاد تھا وہ مٹ جاتا۔ ارے کیا کہہ رہے ہو بزرگوار، صاف صاف کہو، کیا سمجھانا چاہ رہے ہو پیر بھائیوں کو، کیا نصیحت کرنی مقصود ہے؟
कि सही रवैया क्या होता है। अगर कुत्ता पांव पर काट ले तो क्या हम भी उसे काटने दौड़ेंगे? वो कुत्ते का काम था। अच्छा तो फिर बताइए हमारा काम क्या है भला? सीधी और सच्ची दुर्वेशी की राह है। इस राह में मारपीट का भी सामना होगा और बदजुबानी का भी। तो मानी क्या है असल में दुर्वेश लफ्ज के? कौन होता है दुर्वेश? लुगत में तो इसके मानी दहलीज लिखे हैं, दरवाजे की दहलीज। लेकिन हम क्यों कदम नहीं रखते इस दहलीज पर भाइयों? बेशक कोई और रखते, हम नहीं रखते। हम चूंकि दुर्वेशी की राह के मुसाफिर हैं और दुर्वेश जानता है कि दुर्वेशी ही राह हक की तरफ ले जाती है। हाँ तो बात इतनी सी है भाइयों कि हमारे साथ कुछ भी किया जाए, कोई कैसा भी सलूक करे हमारे साथ, हम दुर्वेशी अंदाज ही अपनाएंगे। दुर्वेश हमेशा दुर्वेशी के तरीके पर अमल करता है। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। खुशामदीद इलियास अफंदी, सुबह खैर हो आपकी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह करे ऐसा ही हो यूनुस अफंदी, मगर सुबह इतनी भी बखैर नहीं। खैर होगी। गिरफ्तारी का परवाना लाया हूं यूनुस अफंदी, अदल का फरीजा निभाने आया हूं। अगर इजाजत दें तो शेख मोहतरम को इत्तला कर दूं और तैयारी कर लूं जरा। ये आपकी गिरफ्तारी का परवाना नहीं है यूनुस अफंदी, मतलूब आप नहीं हैं, हम तो शेख साहब को लेने आए हैं। ताब तो कैमरे को गिरफ्तार करना है। अंदर आ सकता हूं सरदार? हाँ आ जाओ। शाहीन आगा तशरीफ लाए सरदार। फौरन भेजो उसे।
आ गए तुम? हाँ आ गया। अब खुश हैं आप? मेरे लिए दुश्मन और तुम में कोई फर्क है जो मैं तुम्हारे आने पर खुश होऊंगा? मेरी बला से तुम कभी ना आते। इस बहस में ना ही किसी की जीत है ना किसी का फायदा बाबा। मैं आ गया इसलिए सरियागा और सिपाहियों को दरगाह से वापस बुला दे। सरियागा को हमने भेजा था कि तुम्हें जिंदा लेकर आए, लेकिन हमें उसकी लाश का तोहफा मिला। हाँ तो खता उसकी ही थी। अब आ गया हूं मैं। अपने सिपाहियों से कहिए उन गरीब दरवेशों की जान छोड़ दे। कैसी नाखलफ औलाद हो तुम शाहीन। जिंदगी अचीरन करने के लिए दुश्मन कम थे जो सगा बेटा भी उठ खड़ा हुआ। जालिम है आप बाबा। उन दरवेशों के साथ जुल्म करेंगे तो आप भी सुकून से नहीं रह पाएंगे। मुझे चाहे जान से मार दे लेकिन आपका जुल्म आपको बहुत जल्द बर्बाद कर देगा। खामोश गुस्ताख। जाहिल। मुहाफिज़ों। इसे तबीब दमित्री के पास ले जाओ। आज के बाद ना मैं इसका नाम सुनना चाहता हूँ और ना शक्ल दिखना चाहता हूँ इसकी। फौरन गिरबान भेज दो इसे इलाज के लिए, बल्कि यही अली आगा के पास या फिर निजामुद्दीन के पास भेज दो इसे फौरन। ले जाओ इसे। जो हुकुम सरदार। फरमान बेटा ना दिया होता, काश औलाद ही ना दी होती। या अल्लाह। शेख मोहतरम ने कोई गलत काम नहीं किया लियासा फंदी। मैं खुद वहां डटा हुआ था मुहाफिजों के सामने, बल्कि शेख मोहतरम ने तो वहां पहुंचकर सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से बचाया। मसला ये नहीं यूनुसा फंदी। लियासा फंदी, शेख ने मामले को ना संभाला होता तो अखी बिरादरी और मुहाफिजों के दरमियान तसादुम हो जाता। यूनुस अफंदी, निगरा मुहाफिज सरी आगा की मौत हो गई आपको मालूम नहीं? खुशांदीद खाजी अफंदी, सुबह बखैर हो आपकी। हुक्म कीजिए। हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का परवाना है शेख साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। चलिए ये तो आपका काम है, लेकिन किस इल्जाम में गिरफ्तार करने आए हैं ये तो बताइए। काला जादू। जादू के जरिए कत्ल करने के इल्जाम में आपकी गिरफ्तारी कानून को मतलूब है। इलियास अफंदी, महज इल्जाम पर गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? फैसला काजी अफंदी का नहीं, अदालत का हुआ करता है यूनुस। यही तरीका भी है यकीनन, और इनका फरीजा भी है। अल्लाह पर भरोसा रखें खानम सुल्तान, जल्दी अब अदेर हकीकत सामने आ जाएगी। हर बहुतान की उम्मीद थी मुझे, लेकिन शेख साहब पर जादू का बहुतान लगेगा ये नहीं सोचा था। बुजुर्गों ने सही कहा है, जो कभी ना सोचा हो वो भी हो सकता है। किसने किया है ये? किसकी हरकत है अम्मा? किसने लगाया है ये बहुतान? यूनुस अफंदी के आने का इंतजार है, सब पता चल जाएगा। सब जानते हैं कि वो ऐसी खराफात पर हरगिज़ ईमान नहीं रखते काजी अफंदी। आपको भी मालूम है शेख मोहतरम का जादू से क्या वास्ता भला। फर्ज करो मैं जानता भी हूं और मानता भी हूं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा यूनुस?
मैं काजी हूं, कानून नहीं। मैं तो खुद यकीन नहीं कर सकता। काजी अफंदी, जाहिर है ये महज बहुतान है, और वो भी इंतहाई घटिया किस्म का। एक काजी का काम क्या हकीकत और बहुतान में तमीज करना नहीं है? फैसला काजी का नहीं, शरीयत का होता है। मुकदमा चलाए बगैर झूठ सच का फैसला कैसे कर सकते हैं कासिम आगा? लगता है आप जानते नहीं शेख मोहतरम को। इस शहर में आपको काजी मुकर्रर हुए काफी वक्त गुजर चुका है। जो दूसरे जानते हैं वो आप भी जानते हैं। आपने कैसे मान लिया कि इस झूठे इल्जाम पर मुकदमा चल सकता है? जानदार ओगलों ने खुद शिकायत की है कि शेख साहब काले जादू में मुलव्वस है। उन्होंने सिफली इल्म की बदौलत निगरा मुहाफिज सरी आगा को कत्ल किया है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है अली ताइगो अफंदी? यूनुस अफंदी और कासिम आगा अंदर मौजूद हैं, काजी के रूबरू। वो कोई बेहतर हल निकाल लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सबब पता चला गिरफ्तारी का? शेख मोहतरम पर जादू का बहुतान लगाया गया है। सब ठीक हो जाएगा खानम सुल्तान। आपका शुक्रिया मसूद आगा, सब अल्लाह की मर्जी। क्या बिगाड़ा था किसी का मेरे बाबा ने मसूद आगा? इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजे का तो पता नहीं, मगर हम सभी अंदेशों का शिकार हैं। फिलहाल ऐसा करें, आप घर तशरीफ ले जाएं। जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको इत्तला कर देंगे। आप हमारी फिक्र ना करें मसूद आगा, हम तो मुंतजर हैं यूनुस अफंदी के आने के, और वो भी खैर की खबर के साथ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। काजी अफंदी, आप जानते ही हैं सरदार हमारे ताया होते हैं रिश्ते में। जाहिर है सरी आगा की मौत का बहुत सदमा है उन्हें, मगर शेख पर इल्जाम लगाना उनका दिली मकसद नहीं होगा। चलिए अदालत की कार्रवाई का इंतजार करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपने अल्फाज जाया ना कीजिए कासिम आगा। काजी अफंदी के नजदीक अदल का सारा अमल सिर्फ गवाहों और दलील की बुनियाद पर कायम है, लफ्जों की बुनियाद पर नहीं। क्या मैं गलत हूं यूनुस अफंदी? क्या हमने साथ यही तालीम हासिल नहीं की थी कराताई में? क्या उन जय्यद उलमा ने हमें झूठा इल्म पढ़ाया था? हरगिज नहीं इलियास अफंदी, मगर साहिब इक्तदार की खातिर इंसाफ का पलड़ा झुका देना सिखाया था क्या उन्होंने? आप बदतमीजी और हद से भी बढ़ रहे हैं यूनुस अफंदी। सिर्फ सरदार ने ही नहीं, दीगर लोगों ने भी शिकायत की है। किसने शिकायत की है? शायद आप भूल गए कि इस मसनद पर मुझसे पहले आप बैठा करते थे। आप क्या समझते हैं हम उनका नाम आपको बताकर उनकी शनाख्त जाहिर कर देंगे? किस जुर्म में आए हैं आप यहाँ? न जाने कितने जराइम किए हैं, क्या बताएं? बताया नहीं कि क्या इल्जाम लगाया है आप पे। हम इस वक्त कहाँ हैं? कहाँ है ये भी नहीं मालूम आपको? कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है इतना जानते हैं, मगर हैं कहाँ इस वक्त ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम। क्या तुम्हें मालूम है? अगर मालूम है तो कुछ हमें भी बता दो जरा। पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, फिक्र ना कीजिए बुजुर्गवार, यहाँ ज्यादा नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे। क्या हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है? तुम किस सिलसिले में हो यहाँ? सराय लूटी थी। ओ ओ ओ, 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 ओ। सही माल था वहां?
कोई कीमती चीज हाथ लगी? बस हम हाथ लग गए काजी अफंदी के, अब खुदा जाने क्या अंजाम होगा हमारा। सफर खत्म नहीं होता, एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। ये बुजुर्ग तो हमसे ज्यादा जवान है आगा। हाँ, तुम्हारा काम है चोरी करना और काजी का काम है तुम्हें पकड़ना। आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, कितने साल की सजा होगी कुछ अंदाजा नहीं। अरे फिक्र मत करो तुम, कुछ भी नहीं होगा, घबराओ नहीं तुम। अच्छा बस बहुत देर हो गई बुजुर्ग फार, कल सुबह जब आप मक्खन के पेड़े से चुपड़ी रोटी की ज़ियाफ़त उड़ा रहे होंगे तो हम जिंदान की दाल खा रहे होंगे। आपकी इजाजत हो तो क्या हम शेख मोहतरम से मुलाकात कर सकते हैं? खानम सुल्तान और उनकी साहबजादी भी मिलना चाहती हैं उनसे, मुमकिन हो तो उन्हें यहीं बुलवा लीजिए। ये मुमकिन नहीं है कासिम आगा, हमारा काम कानून पर अमल करवाना है ना कि कानून तोड़ना। मुर्शिद, शेख मोहतरम। आपने क्यों सहमत की बिरादर मसूद? अस्तग़फ़िरुल्लाह शेख मोहतरम। झूठा इल्जाम है शेख मोहतरम, यकीनन ओगले साहब का किया धरा है। अगर हमने कुछ किया है तो जरूर भुगतेंगे यूनुस। मुझे नहीं लगता सिर्फ मेरे ताया का मामला है शेख, और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने जादू का इल्जाम लगाया है आप पर। जाहिर है झूठे गवाही होंगे शेख मोहतरम। हो सकता है ऐसा ही हो, अल्लाह की गवाही पर से जब एक बार ईमान उठ जाए तो अदालत में झूठी गवाही देना कोई बात ही नहीं रह जाती। खानम सुल्तान और आपके साहबजादी अंदेशों में घिरी हुई हैं, कुछ कहलवाना हो तो फरमाइए शेख मोहतरम। अंदेशे दिल से निकाल दें बिल्कुल, ये किस्मत के खेल हैं और कुछ नहीं, जो कुछ होना है वो तो होकर रहेगा। अंदेशा खौफ की अलामत है, परवरदिगार के सिवा किसी और का खौफ इंसान को बुज़दिल बना देता है। उसकी अता करदा जिंदगी खौफ के साथ नहीं गुजारी जा सकती, अमानत में खयानत है ये। अरे हाँ, इस्माइल का बहुत ख्याल रखती हैं वो, जानता हूँ मैं, मगर उनसे कहना कि और ज्यादा ख्याल रखें। क्या करता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या पीता है। अब जाइए आप लोग। हुक्म कीजिए अगर कोई और भी आरज़ू है शेख मोहतरम। बस सलाम कहना हमारे सब पीर भाइयों को, कहना कि दुआ करें इस बूढ़े के लिए। अल्लाह की अमान में दिया शेख मोहतरम, बहुत जल्द रिहा होंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द उसके पास पहुंचूंगा इंशाल्लाह। यूनुस, खानम सुल्तान को मेरी एक आरजू पहुंचा देना। अब तो बता दें आखिर क्यों जिंदान में रखा आपको, ऐसा क्या गुनाह किया आपने शेख मोहतरम? बेशुमार जराइम है, बताया तो था फरसंद। अच्छा फिल वक्त अलविदा, मगर एक ऐसी जगह जरूर है जहां मुलाकात होगी हमारी। जनाबे आली, सहर और जादू करने का इल्जाम है आप पर, अदालत के रूबरू हम आपसे दरियाफ्त करते हैं, कुछ कहेंगे अपने दिफा में? ये जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा है मैं इससे वाकिफ हूँ, मगर इल्ज़ाम लगाने वालों को मैं बिल्कुल नहीं जानता। मेरी बिनाई बहुत कमज़ोर हो गई है, यही वजह होगी शायद। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, घोड़ा पितक गया था बस। इन्होंने उस हैवान पर कुछ पढ़कर फूका काजी साहब, जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा। मैं कहता हूँ मैंने ऐसा नहीं किया।